हेलो एवरीवन, तो हैप्पी मंडे टू ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो कॉमर्शियल एनर्जी प्रोडक्ट्स आजकल आते हैं ना, कॉमर्शियल हेल्थ ड्रिंक्स, जिनको हम बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, पीडियाश्योर, इन सब के नाम से ही हम मार्केट में देखते हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में ये हेल्दी है कि नहीं है, आपके अपने बच्चों को देना है नहीं देना है, या जो भी हमें इसके बारे में जो भी क्वेरी रहती है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लोग देते क्यों हैं। या तो पहला, लोग इसलिए देते हैं कि भाई लोगों के बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, तो क्या करता है कि ये डालने से टेस्ट एनहांस हो जाता है, तो बच्चे मिल्क प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं, दूध पीना शुरू कर देते हैं। सेकेंड ये होता है कि बहुत ज़्यादा इसके कॉमर्शलाइज एड्स होते हैं, लाइक कोई स्पोर्ट्स पर्सन ले लिया, कोई भी ले लिया, फिटनेस फ्रीक पर्सन ले लिया, जो बोलता रहता है तन की शक्ति मन की शक्ति, बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, हाइट नहीं बढ़ रही है तो कॉम्प्लान पिलाओ। तो इनकी वजह से भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। पर प्लीज़ आप एक बार देखिए, जब आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, फ़ोन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, या घर का कोई भी सामान लेते हैं, या इवन लेडीज़ अपना कॉस्मेटिक का सामान भी लेती है, तो सबसे पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि एक्चुअली में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फ़ोन में आप उसमें सब कुछ देखते हैं, रैम कितनी है, उसका कितना पिक्सल कैमरा है ना, सारी डिटेल आप देखते हो। पर जब आप बच्चों की कोई भी खाने की चीज़ या कोई भी आपकी खुद की हेल्थ रिलेटेड खाने की चीज़ की बात आती है, तो आप उस समय पर उसके इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं देखते हो? आपको उसके इंग्रेडिएंट्स हमेशा से चेक करने हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये जो कॉमर्शलाइज हेल्थ ड्रिंक्स हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ICMR की जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है और जो इसमें पर सर्विंग्स दी जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। जैसे कैल्शियम हमारा 20 mg ऑफ टू पर सर्विंग है, हमें रिक्वायर्ड 500 है। प्रोटीन भी इसमें कम होता है, रिक्वायर्ड हमारा ज़्यादा होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये दे दोगे तो बच्चा प्रॉपर हर चीज़, हर न्यूट्रिशन उसमें आ जाएगा। इट इज़ जस्ट एन ऑल्टरनेटिव कि ठीक है आपने दे दिया तो कोई बात नहीं, एक दवाई आप दे रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, इसमें माल्ट एक्सट्रैक्ट होता है, जो जौ बाजरा हो गया या बार्ले हो गया, या आप इसमें और भी आयरन वगैरह भी रहता है, नो डाउट कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें है। बट इसके साथ साथ क्या है जो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, इसके साथ साथ जिस जो इसमें रहता है ना, वो रहता है शुगर। अब शुगर भी दो फॉर्म में रहती है। देखिए नेचुरल शुगर होती है जो हम फ्रूट्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें एडेड शुगर होती है जो कि हम बाहर से ऐड कर रहे हैं इसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। प्लस इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत ज़्यादा एडेड हैं, जो कि इसके शेल्फ लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चा अगर नहीं पीता है, तो आप बच्चे को स्टार्ट नहीं कराया तो स्टार्ट नहीं कराइए, क्योंकि इसको छुड़वाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि एक बार इसका टेस्ट ऐसा, अगर बच्चे को एक बार लग गया ना, वो इसको नहीं छोड़ेगा। तो प्लीज़ इसको स्टार्ट नहीं करवाइए। अगर आपने स्टार्ट करवा दिया है तो मेक श्योर कि आप इसकी क्वांटिटी को कम करिए। जहाँ दिन में 2 servings दे रहे थे, वहाँ पर आप इसकी सर्विंग्स को हाफ करिए। सुबह मॉर्निंग इवनिंग दे रहे हो तो मॉर्निंग में आप दीजिए, शाम को इनको कोई भी शेक से रिप्लेस कर दीजिए। बनाना शेक, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, बहुत सारे शेक्स आते हैं, ड्राई फ्रूट शेक्स आते हैं, जो एक्चुअल में हेल्दी है, जो एक्चुअल में यू नो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स से बने हैं, तो आप उनको दे सकते हैं जो एक्चुअल में हेल्दी है। तो आप उनको अल्टरनेटिव बनाइए, पर प्लीज़ इसको कम कीजिए, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा। अब हम शुगर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि अगर हम 1 serve की बात करते हैं तो 6.4 gram ऑफ शुगर आता है, जो कि आप 2 serve देते ही हो तो 12.8 आ गया। तो ये 3.5 चम्मच के अराउंड है, जो रिकमेंडेड स्पून है 2 to 18 years के बच्चों के लिए, वो हमारी होती है 6 spoons। अब आप देखिए इसमें 3.5 चम्मच तो यही आ गया है। इसके अलावा आप अलग से इसमें चीनी भी ऐड करते हैं, या अलग से बच्चा केक, बिस्किट, टमाटो केचप, या कुछ भी ऐसे शुगरी थिंग्स आता है, चॉकलेट्स वगैरह, तो उसमें और आ जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका शुगर इंटेक जो है वो रिक्वायर्डिंग अमाउंट से बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो प्लीज़ 2 to 18 years के बच्चों को तो आपको 6 spoon से ज़्यादा, तो मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, 6 spoon तो मैक्सिमम रिकमेंडेड है, उससे कम ही देना है। एंड 0 to 2 years तो आपको शुगर देना ही नहीं है, क्योंकि आप जितना शुगर देंगे ना बच्चे को, उतना जो टूथ देखे की प्रॉब्लम आएगी, टूथ देते दांत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं उसके। इवन कुछ बच्चों के तो प्राइमरी टीथ ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ओबेसिटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फैट एक्युमुलेशन हो जाता है, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, शुगर। अब ये सब चीज़ें आप बोलोगे कि बच्चों में कैसे हो रहे हैं, तो देखो बच्चों में नहीं होती है ये सब। अभी जो आप शुगर इंटेक लेते हो ना, आफ्टर 20-30 years बाद वो रिएक्शन देता है। जैसे आप बड़े हो जाओगे, आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, आप फिटनेस फ्रीक हो, फिर भी आपको डायबिटीज़ और ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, शुगर निकल कर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो आपने आज से 15-20 साल पहले जितना शुगर इंटेक लिया था, तो ये सब उसके ही वजह से है। उस समय जो भी एक्यूमुलेट हुआ है आपके अंदर, वो ही आज निकल कर आ रहा है। तो ठीक है, तो प्लीज़ आप, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अगर दे भी दें तो दिन में एक ही बार दीजिए बस ओनली। एंड उसके अलावा इनको हेल्दी शेक से रिप्लेस करिए। अगर आप नहीं देते हैं तो प्लीज़ इसको स्टार्ट नहीं करिए, इट इज़ नॉट अ गुड हेल्दी ऑप्शन। और प्लीज़ आप किसी मील को तो कभी भी किसी दूध और इससे कभी रिप्लेस मत करिए, क्योंकि दूध में एक कैल्शियम के अलावा
एज सच कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो दूध को आप मॉर्निंग इवनिंग किसी एक टाइम पर दे सकते हैं, पर जो 3 हेल्दी मील्स होते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आप अपने बच्चे को वो तो प्रॉपर ही दीजिए, उसके बिना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ठीक है, आज मंडे है तो थोड़ा इतना ही बनाते हैं, तो कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।